का आयोजन कराया जा रहा है जिसमें स्काउट गाइड के छात्र छात्राएं भी प्रतिभाग कर रही हैं। खो खो प्रतियोगिता ने पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में पैर पसार लिए हैं। इसी कड़ी में पहली बार 126 विद्यालयों ने खो खो प्रतियोगिता में भाग लिया। कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के CBSE बोर्ड के विद्यालयों ने सुदिति ग्लोबल प्रांगण में आयोजित की गई प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया है। खो खो प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के करीब 126 विद्यालयों ने छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर राम शंकर ज्वाइंट सेक्रेटरी CBSE बोर्ड मौजूद रहे, जिन्होंने प्रतियोगिता शुभारंभ से पहले शांति का प्रतीक सफेद कबूतरों के साथ गुब्बारों को आकाश में उड़ाकर प्रतियोगिता का उद्घोष किया। प्रतियोगिता में समस्त विद्यालयों के प्रधानाचार्य और अध्यापक उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि की भूमिका में पहुंचे ज्वाइंट सेक्रेटरी CBSE बोर्ड राम शंकर ने कहा कि प्रतियोगिताओं के लिए उनके द्वारा किसी भी प्रकार का सहयोग चाहिए हो तो वह हमेशा तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि विद्यालयों के लिए खो खो जैसी की जाने वाली प्रतियोगिताओं में हमेशा उनका पूर्ण सहयोग रहेगा तथा हर संभव मदद की जाएगी, और आगे भी भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि इस तरह के कार्यक्रमों के लिए सरकार को आगे कदम बढ़ाना चाहिए। कार्यक्रम के शुभारंभ पर बच्चों द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया, साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। खेलों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रतिबद्ध है और कटिबद्ध है, और इस अनुक्रम में पूरे देश में जोनल लेवल पर, क्लस्टर लेवल पर बहुत सारी प्रतियोगिताएं हो रही हैं। उसी अनुक्रम में आज मैनपुरी की जो प्रतियोगिता थी वहां आप सबके बीच उपस्थित होने का अवसर मिला है। वास्तव में भारत सरकार और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मानव संसाधन विकास मंत्रालय की समन्वित नीति है कि खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए और जो खिलाड़ी खेलों के माध्यम से अपने अभीष्ट को प्राप्त कर सकते हैं उनके लिए जो संभव मदद हो, सहयोग हो और उनके लिए आवश्यक कार्य हो हम कर सकें, उसी अनुक्रम में इस कार्यक्रम का आयोजन। इस खो खो प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? वास्तव में इस प्रत्येक खेल का अपना महत्व होता है। खो खो जो कि भारत के जो प्राचीन दो खेल है उनमें से एक आता है, तो इसके लिए हमने ऑफर किया कि जो भी स्कूल अपने वहाँ पे कंपटीशन कराना चाहे उनके लिए जो भी जरूरी मदद है नियमानुसार वो हम खुद को करते हैं, तो उसी अनुक्रम में यहाँ भी इसका आयोजन हुआ है। थैंक यू। CBSE ईस्ट जोन की क्लस्टर 4 है खो खो का। CBSE हर साल खेलों में विकास के लिए अपने पूरे भारतवर्ष में क्लस्टर बांटे गए हैं, उनमें स्पोर्ट्स की प्रतियोगिता कराता है। हमारे विद्यालय सुदिति ग्लोबल अकेडमी में खो खो का आयोजन किया जा रहा है CBSE ईस्ट जोन क्लस्टर 4, जिसमें तकरीबन उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की टीमें आई हुई हैं। 126 विद्यालय की टीम इस क्लस्टर में पार्टिसिपेट कर रही है, जिसमें अंडर 19, अंडर गर्ल्स बॉयज, अंडर 17 गर्ल्स बॉयज की टीम है। काफ़ी दूर दूर से टीम यहाँ पहुँची है, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, तकरीबन हम कह सकते हैं हर एक जिले से हर टीम मौजूद है और अपने अपने जिले का अपने स्कूल का प्रतिनिधित्व कर रही है और जीतने की कोशिश कर रही है। ये वो नेशनल में हरियाणा में खेले जाएंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन श्री राम शंकर जी, जो ज्वाइंट डायरेक्टर हैं CBSE के, उन्होंने किया। कबूतर उड़ा के और शांति के प्रतीक होते हैं गुब्बारे उड़ा के उद्घाटन किया और इस स्पोर्ट्स मीट को, खो खो स्पोर्ट्स मीट को ओपन डिक्लेयर कर दिया। देखा 4 दिन तक हर टीम अपनी जी जान लगाएगी और एक विनर हर कैटेगरी में यहाँ से निकल के नवंबर में हरियाणा में खेलेगा। करवा चौथ महोत्सव आपके शहर के नंबर 1 शोरूम पुरुषोत्तम कलेक्शन पर। खरीदें 1000 रुपए की साड़ी और पाएं लाखों के इनाम। 1000 रुपए की खरीद पर पाएं लकी ड्रॉ का कूपन। फर्स्ट प्राइज है TVS स्कूटी, सेकंड प्राइज TVS स्कूटी, थर्ड प्राइज LCD 40 इंच, फोर्थ प्राइज LCD 40 इंच, फिफ्थ प्राइज 180 लीटर फ्रिज, सिक्स्थ वॉशिंग मशीन 7 किलोग्राम, सेवन्थ गीजर 25 लीटर, 8th ओवन टोस्टर, 9th होम थिएटर, 10th
मोबाइल प्लस 2 स्कूटी प्लस 51 प्राइसेस, नियम बशर्ते लागू। हमारा मोबाइल नंबर है 9837003806।